अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इंतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों जो कतर से आ रही है वो साथियों खबर आ रही है कतर एयरवेज की तरफ से। तो कतर एयरवेज की तरफ से बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट किया गया है। तो साथियों, यदि आप कतर एयरवेज से अभी आप ट्रैवल करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। पर दोस्तों, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन आप कतर एयरवेज में जाके पढ़ सकते हो। तो खबर दोस्तों ये है कि यदि आप इस 4 दिनों के अंदर यदि कतर एयरवेज में आप टिकट की बुकिंग करते हो तो आपको 25% की छूट दी जाएगी। उनमें से तारीख दोस्तों रखा गया है 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक। तो इन बीच में दोस्तों यदि आप टिकट को लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी ऑफर दोस्तों दी जाएगी। साथियों, इसमें यह भी बताया गया कि 1 सितंबर 2022 से लेकर 31 अगस्त 2023 के दरमियान कोई भी टिकट इसमें आपका होता है तो इसमें लगभग 25% की आपकी छूट दी जाएगी। टिकट का जो रेट होगा उसके हिसाब से आपको 25% कम देना पड़ेगा। तो ये 4 दिनों के अंदर ही आपको टिकट बुकिंग करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, इस बीच में ही टिकट आप ले सकते हैं। पर दोस्तों, 25% जो छूट दिया जा रहा है इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। पहले टर्म एंड कंडीशन कतर एयरवेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप टिकट को बुकिंग कीजिएगा। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं, जो कि साथियों फीफा वर्ल्ड कप को लेकर आ रही। तो कतर फीफा वर्ल्ड कप को लेकर दोस्तों ये बताया गया है कि जो लोग भी कतर फीफा वर्ल्ड कप देखने आएंगे, जिनके कोई फैमिली मेंबर वगैरह नहीं होंगे या रहने का इंतजाम नहीं होगा, तो उन लोगों को दोस्तों जाहिर सी बात है कि अकोमोडेशन के लिए होटल वगैरह ही लेना पड़ेगा। तो उसको लेकर साथियों बहुत ही कम दामों में वहां पे दोस्तों अकोमोडेशन का इंतजाम किया गया। लगभग $80 एक रात के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इससे कम दोस्तों आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, चाहे वो किसी भी कंट्री में मैच होता। तो $80 लगभग पेमेंट करना पड़ेगा एक रातों के लिए दोस्तों। ये कम से कम के रेट में आपको बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा जितनी रेट के चाहे उतनी रेट के आप ले सकते हो, ये दोस्तों आंकड़ा बताया गया है। एक खबर दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप को लेकर आ रही और आ रही साथियों, कतर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दोस्तों ये बताया गया है कि कतर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान लगभग $6 बिलियन का रेवेन्यू होने की उम्मीद बताई जा रही है। यानी दोस्तों उससे कमाई $6 बिलियन, इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा कमाई कतर फीफा वर्ल्ड कप में होने वाला है। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं, जो कि हमद पोर्ट यानी हमद बंदरगाह से आ रही है। हमद पोर्ट पे दोस्तों लगभग वहां पे भारी मात्रा में तंबाकू और सिगरेट को वहां पे पकड़ा गया है। तंबाकू का वजन लगभग 3,250 किलो बताया जा रहा है और 7,000 दोस्तों लगभग सिगरेट बताया जा रहा है। फिलहाल साथियों सभी को जब्त कर लिया गया, जो भी शख्स इसमें शामिल था उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो साथियों लगातार जो है वो स्मगलिंग का काम कतर में होने की कोशिश किया लोग करते हैं, पर उसके बावजूद पकड़े जाते हैं। एक खबर दोस्तों और बता दूं, यदि साथियों आप कतर में यदि आप कतर का हैया कार्ड बनवा चुके हैं तो साथियों आपका जो हैया कार्ड है वो 1 नवंबर 2022 से ये एक्टिवेट हो जाएगा और लगभग 23 जनवरी 2023 तक ये एक्टिवेट रहेगा। 1 नवंबर के बाद ही एक्टिवेट होगा, 23 जनवरी के बाद ऑटोमेटिक ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप कतर में नहीं रह सकते हो। 1 नवंबर के बाद आप वहां पे जाके रह सकते हो और 23 जनवरी तक आप रह सकते हो, उसके बाद आपको कतर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये ऑफिशियली दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है। एक खबर दोस्तों हैया कार्ड को लेकर अच्छी अपडेट ये भी है कि सऊदी अरेबिया भी आप हैया कार्ड लेके जा सकते हो दोस्तों। किसी तरह का कोई वीजा आपको निकालने की जरूरत नहीं है। हैया कार्ड यदि आपके पास है, एक्टिवेट है 1 नवंबर के बाद, तो आप सऊदी अरेबिया भी घूमने फिरने जा सकते हैं। पर दोस्तों उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी। पहले उसको ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हो। तो ये भी दोस्तों सऊदी हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। एक खबर दोस्तों और मैं आपको बताता हूं साथियों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। यदि अभी आप कतर अभी जाने वाले हो, ट्रेवल करना चाहते हो, तो कुछ एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे होना काफी जरूरी है। तो दोस्तों कौन कौन सी एप्लीकेशन होगी मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। तो साथियों पहला जो एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही जरूरी है, एतराज एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे रहना बहुत ही जरूरी है। बिना इसके दोस्तों आपको एंट्री वहां पे लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोरोना अपडेट्स, कोरोना के हाल, जो भी चीजें हैं या फिर आपने वैक्सीन लिया नहीं, ये सारी डिटेल उसमें बताई जाती है। दूसरा है मेट्राज टू के जरिए बहुत सारे सर्विस को दोस्तों उससे आप ले सकते हैं, उससे काफी ज्यादा आपको फायदा होता है। अगला दोस्तों इसमें है कतर विजिट में दोस्तों यदि कोई भी आप टूरिस्ट हैं तो आप वहां पे कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं ये आप उससे जान पाओगे कतर विजिट यदि एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर। अगला है कतर रेल डाउनलोड करना पड़ेगा, इससे आप मेट्रो की ट्रेवल कर सकते हो, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कौन सी मेट्रो कितनी बजे है, मेट्रो कहां पे आपकी नजदीक है, सारा डिटेल इसमें आपको बताया जाएगा। अगला इसमें दोस्तों कारवा टैक्सी, ये एप्लीकेशन आपको टैक्सी बुकिंग में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो यदि अभी आप कतर जाने वाले हो तो टैक्सी की बुकिंग के लिए एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और कम से कम रेटों में वहां पे टैक्सी इस एप्लीकेशन के जरिए बुकिंग हो जाता है। अगला है हमद
HIA कतर यानी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का ऑफिशियल ये ऐप है। ये एप्लीकेशन से आप जानकारी ले पाओगे कि कौन सी फ्लाइट कितनी बजे है और फ्लाइट की पूरी जानकारी जो इस एप्लीकेशन के जरिए आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ एप्लीकेशन है जो यदि आप कतर में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जाते हो या कतर अभी जाने वाले हो तो इस जानकारी से आप ले सकते हो। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों ने स्टूडियो पे, अल्लाह हाफिज़।